हरी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है, चैप्टर 6 है डिटरमिनेंट्स। एक्सरसाइज है 6.4। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रेमर्स रूल। अब इससे पहले कि हम ये पूरी एक्सरसाइज करें, इसमें क्रेमर रूल का उपयोग है। तो हम नॉर्मली जो इक्वेशंस होती हैं, जिस तरीके से दिख रही है आपको ये लीनियर इक्वेशन, इनको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि भाई आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, मतलब जैसे 4 को 4 प्लस 2y कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए x की वैल्यू, y की वैल्यू निकलेगी, फिर x में डाल दीजिए। दूसरा होता है कि मल्टीप्लिकेशन, आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि कोई जो दो नंबर है y वाले x वाले वो एक जैसे हो जाएं, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए इक्वेशन को और x और y निकाल लीजिए। ऐसे तमाम तरीके हमारे होते हैं। अब जो एक तरीका जब डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस पढ़ने से आया है वो ये है क्रेमर रूल। क्रेमर रूल बड़ा आसान है, इसमें डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत होती है। अब आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए मैं क्या क्या करने वाला हूँ। पहला, अगर आप समझ गए तो बाकी जितने भी हैं वो आप खुद कर लेंगे। अब देखिए, मैंने ये लिखा x माइनस 2y बराबर 4, और दूसरी इक्वेशन लिखी हमने माइनस 3x प्लस 5y बराबर माइनस 7। अब इसको मैं लीनियर इक्वेशन, जो नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है, उससे कंपेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए ये अपना है a1x प्लस b1y बराबर c1, और ये दूसरा है a2x प्लस b2y बराबर c2। ये हो गया। अब जो हमारा डिटर्मिनेंट है, जब भी हम डी निकालेंगे, कैपिटल डी, वो होगा a1 b1 a2 b2। जब हम d1 d2 निकालेंगे तब हम इन दोनों को रिप्लेस करेंगे। कहने का मतलब जो डी होगा उसमें वो होगा a1 a2 b1 b2, यानी कि इसके सामने क्या रखा है 1, ये a1 हो गया, a2 हो गया, ये है -3, यहां पर है -2 और यहां है 5। तो a1 a2 ये b1 b2 मैंने रख दिया, क्लियर। तो ये जो वैल्यू आएगी वो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 5 1 5 और -3 2 6, यानी आपका -1 आ गया। ध्यान रखिएगा डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो कैपिटल डी है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये जरूर चेक करना जरूरी है आपको। अब जो d1 निकालेंगे आप, वो क्या होगा उसमें आप क्या करेंगे, ये जो पहली वाली पोजीशन है, क्योंकि हम d1 के बारे में बात कर रहे हैं, हमें x निकालना है, तो पहली वाली पोजीशन में c1 c2 रख देंगे, यानी a1 a2 की जगह c1 c2 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, c1 c2 क्या है यहां पर, ये 4 और -7, ये 4 और -7 है, यस। तो 4 और -7 यहां रख दीजिए, बाकी ये ऐसे रहेगा -2 और 5। अब इसका निकाल लीजिए, 5 4 20 -7 2 14, कितना हो गया, 6 आ गया है। इसी तरीके से जब d2 करेंगे तब क्या होगा, आप ये जो पोजीशन है सेकंड पोजीशन, ये वाली सेकंड पोजीशन है, यहां पर आपको c1 c2 रिप्लेस करना है, a1 a2 ऐसे रखना है, यानी कि 1 माइनस 3 ऐसे रहेगा और 4 और -7 अब यहां पर चला जाएगा। इसका क्या बनेगा, -7 माइनस और माइनस प्लस 4 3 12, तो 12 माइनस 5 हो गया, 12 माइनस 7 हो गया 5, क्लियर। डी निकल गया, डी1 निकल गया, डी2। अब देखिए एक्स निकालना कितना आसान है, एक्स सिंपल होगा d1 बाई डी और y हो जाएगा d2 बाई डी। अब क्योंकि डी जीरो नहीं था, हमने देखा -1 है, पहले तो -1 -1 रख दीजिए इसके नीचे। d1 क्या आया था आपका 6, d2 कितना आया था 5, इसका मतलब ये हो गया -6 और ये हो गया आपका -5। एक्स हो गया -6, वाई हो गया -5। आई होप ये सब बाकी सारे निकाल लेंगे आप। तो मैं आपको एक एक करके दिखा भी देता हूं ताकि आप जब कर रहे हो तो ये इस तरीके से आ जाए। ये आपका तीसरा वाला है, थर्ड सेम ऐसे ही चलता रहेगा, जो मैंने आपको तरीका बताया है उसी से आप आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको। नेक्स्ट वाला दिखा रहा हूं अभी, सिक्स्थ, ये वाला देख लीजिए। बाकी ये सारे ऐसे ही होंगे इस तरीके से, मैं ऐसे करता हूं आपको। ये छठवां वाला एक बार बता देता हूँ, सिक्स्थ वाला बता देता हूँ फटाफट, ताकि क्योंकि इसमें जरा ए है इसीलिए थोड़ा सा लग रहा है ये, लेकिन करना वैसे ही है, फटाफट करते हैं इसको। तो आप देखिए, मैं फटाफट बताऊंगा इसको। ये आपका a1 है, b1 है, ये a2 है, b2 है। तो d क्या होता है, a1 a2 b1 b2, ये तो होता है। d आ जाएगा आपका 3 2 a a। अब d1 पे आ जाइए आप, d1 क्या होता है, इस जगह पे c1 c2 रिप्लेस कर दीजिए, तो 4 4 2 और a a। d2 में क्या होगा, इस जगह पे आप 4 2 रिप्लेस कर दीजिए, 3 2 a a। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए,
होगा 3a-2a, यानी कि 3a-2a कितना होता है, ये होता है 4a-2a, कितना होगा 2a। यहाँ पर आपका मैंने क्या बताया ना, इसमें 3 2 इस जगह पर रिप्लेस करेंगे ना 4 2 को, तो 4 2 रिप्लेस होगा, तो ये हो जाएगा 6, 4 2 8, तो क्या आ गया -2। अब आपका x कितना है, d1 by d 2a by a हो गया आपका 2। अब y कितना होगा, d2 by d, यानी -2 by a, तो ये आपका x आ गया, ये y आ गया, ये x से y है, ये ऐसा आ जाएगा। तो बाकी आप कर लेंगे, मैं मुझे पूरा यकीन है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे आप मैंने आपको तरीका बताया है उसी तरीके से आगे बढ़ना है, ये सारे मैं दिखा रहा हूं आपको, अगर आप कर रहे हैं साथ साथ तो आप पॉज करके इसको देखते रहिए ताकि आपका आंसर मैच हो जाए। अच्छा जी, अब ये जो क्रेमर रूल लगाएंगे, अभी तक हमने इक्वेशन देखी थी जिसमें दो इक्वेशन थी और दो वेरिएबल थे, यहां पर आपके 3 वेरिएबल है, तो बिल्कुल सेम वही काम करना है, तरीका वही रहेगा, लेकिन यहां पर हम अब क्या करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा पहला, ताकि बाकी आप अपने आप कर सके। अब इस देखिए इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं, ये इक्वेशन है 3x + y + z = 2। अगली इक्वेशन लिख रहा हूं 2x - 4y + 3z = -1। अब तीसरी इक्वेशन लिख रहा हूं, ये दूसरी थी, तीसरी लिख रहा हूं 4x + y - 3z = -11। अब इसको हम कंपेयर करेंगे या फिर इसको इक्वेट करेंगे, हमारी इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन होती है वो है a1x + b1y + c1z = d1। यह है a2x + b2y + c2z = d2। यह है a3x + b3y + c3z = d3। राइट, अब ध्यान से देखिएगा कि मैं d1 d2 कैसे निकाल रहा हूं, ये d है हमारा, d में सिंपली आप रखेंगे ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो a1 क्या है 3, a2 क्या है 2, a3 क्या है 4। अब b1 b2 b3 देख लीजिए, 1 ये है 1 - 4 1 1 - 4 1, c1 c2 c3 क्या है 1 3 और -3। राइट, अब d1 पे आ जाइए, आपको करना क्या है d1 d2 और d3, इसमें करना क्या है, पहले वाले को इससे रिप्लेस करना d1 d2 d3 से, तो पहला वाला जो कॉलम है यहां पर आप ये रख देंगे 2 - 1 और -11, क्या रखेंगे 2 - 1 और -11। d2 में क्या रखेंगे, मिडिल वाले में 2 - 1 और -11, और d3 में क्या रखेंगे, लास्ट में 2 - 1 और -11। ठीक है, बाकी सब ऐसे रख देंगे, माइनस जहां जहां आपको बचता है 1 - 4 1 1 3 - 3, यहां पर क्या आएगा आपका 2, ये तो 2 यहां रिप्लेस किया है, तो ये इसी के हिसाब से चलेंगे, जो खाली जगह बचेगी वो रखेंगे 3 2 4, ये है 1 3 - 3। अब यहां पर क्या होगा, इसके हिसाब से रखेंगे 3 2 4 और 1 - 4 और 1। राइट, अब ये इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लेंगे, यहां से थोड़ा सा टैली कर लीजिएगा, डिटर्मिनेंट निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो यहां पर हम क्रेमर रूल समझ रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकालना आराम से आप कर लेंगे, जो डी का आएगा वो आएगा 63, ध्यान रखिएगा ये नॉट इक्वल टू 0 है, d1 आपका आएगा -63 जब आप कंप्यूट करेंगे, d2 आएगा आपका 126 और d3 आएगा आपका 189, वेरीफाई कर लीजिएगा। अब आपको जब x निकालना हो तो आप सीधा d1 by d करेंगे, y में आप d2 by d करेंगे और z में आप d3 by d करेंगे। d1 by d कैसे हो गया, d1 by d आपका हो गया, ये देखिए -63 by 63, इतना आया, ये आ गया आपका, मैं नेक्स्ट भी दिखा देता हूं, ये आपका -1। d2 by d कितना आ गया, d2 है आपका 126 और ये है 63, कितना आ गया ट्वाइस से कटता है, अब आपका आ गया ये 189। d3 कितना है 63 चल रहा है, ये तिहाई जाएगा 3, तो -1 2 -1 2 और 3, ये इसका xyz आ गया। तरीका समझ गया आप कैसे करना है, ऐसे करना चाहिए इसको, बस आपको इसमें 3 by 3 जब निकालेंगे थोड़ा सा समय लगेगा इसको करने में, लेकिन होगा तरीका बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको बताया, ये सेकंड वाला अगला भी टैली कर लीजिए, सारे मैं दिखा दे रहा हूं आपको क्योंकि मैंने तरीका आपको समझा दिया है।
ये भी इसी तरीके से होगा, ये सारे के सारे उसी तरीके से होंगे, तरीका वही अपनाना है आपको जैसे मैंने बताया आपको, बस एक एक करके इसको ज़रा आप खुद करिएगा और ज़रा आंसर टैली कर लीजिए ताकि आप वैसे करें जैसे बताया है। अब इसमें क्योंकि ये सारे के सारे एक जैसे हैं इसलिए मैं ज़रा स्किप कर रहा हूँ इनको, ये वाला भी बहुत आसान है। अब ये नेक्स्ट वाला आ रहा है, इसमें कुछ नंबर्स नहीं है यानी वैल्यूज़ है, तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं आपको ये वाला तरीका बता देता हूँ, या फिर इनमें अब देखिए इसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू चार हो गए, इसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू चार चार हो गए, तो एक्स वाई जेड ये वाला इस वाले को कर लिया जाए क्या, ये वाला हम कर सकते हैं ये वाला। तो इसमें एक तो डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, डिटर्मिनेंट को सॉल्व भी करना है प्रॉपर, क्योंकि इस तरीके के डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं तो मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू इसकी बता दूंगा। यहां पर इस वाले को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं वाले को। अब आप देखिए पहले तो इक्वेशन हमारी ये है, तो आपका ए वन ए टू ए थ्री है वन ए ए स्क्वायर, बी वन बी टू बी थ्री है वन बी बी स्क्वायर, सी वन सी टू सी थ्री है वन सी सी स्क्वायर। पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ये कॉलम टू को चेंज करेंगे कॉलम टू माइनस कॉलम वन, कॉलम थ्री को चेंज करेंगे कॉलम थ्री माइनस कॉलम टू, क्यों किया हमने ये, क्योंकि हमको दो जीरोस चाहिए थे। अब इस वन से ओपन कर लेंगे, जैसे वन ओपन करेंगे बाकी तो छोड़ देंगे, तो यहाँ पर आएगा आपका ए माइनस बी बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये जो है इसको हम ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं, और इसको बी माइनस सी और बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो इस पूरे कॉलम से हम ए माइनस बी बाहर ले लेंगे, इस कॉलम से बी माइनस सी ले लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको खोलेंगे तो आपका ए माइनस बी माइनस सी था सी प्लस सी माइनस ए आएगा। ये इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अब जब डी वन निकालेंगे तो ये दोनों तो ऐसे रखेंगे, इस जगह पे वन माइनस वन माइनस डी और माइनस डी स्क्वायर कर देंगे। ये डी टू करेंगे तो ये मिडिल वाला जो होगा कॉलम उसमें माइनस वन माइनस डी स्क्वायर कर देंगे। तीसरे वाला जब डी थ्री करेंगे तो ये जो कॉलम होगा इसमें माइनस वन माइनस डी स्क्वायर कर देंगे, राइट। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे अभी हमने किया है। पहले तो आप इससे महान माइनस बाहर ले लीजिएगा, यहाँ से माइनस बाहर ले लीजिएगा, यहाँ से माइनस बाहर ले लीजिएगा, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। और उसके बाद फिर वही जो मैंने आपको तरीका बताया कि यहाँ पर क्या है वन डी डी स्क्वायर है, यहाँ पर था वन ए ए स्क्वायर, बाकी सब तो सेम है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए की जगह डी रिप्लेस कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आपको ए दिख रहा हो वहाँ डी रिप्लेस कर दीजिए, बस यहाँ डी यहाँ डी, यहाँ देखिए डी रिप्लेस हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप यही करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी यही करेंगे, फिर जब आप इसका रिजल्ट निकालेंगे तो इस तरीके से कैंसिलेशन हो जाएंगे, तो बहुत आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। या तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, या आप चाहें तो इसमें कैंसिलेशन कर सकते हैं, जैसे बी माइनस सी से कट जाएगा, यहाँ पर आपका इसी तरीके से और भी कैंसिलेशन हो सकते हैं, जैसे सी माइनस से कैसे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ए माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे। अब मैं आपको ज़रा चार का भी हिंट दे देता हूँ कि चार वाले कैसे करेंगे। इस चार को करने के लिए आपका तरीका बिल्कुल सेम वही होगा, थोड़ा सा लंबा है इसलिए बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। जो ये है इसको हम कंपेयर कर रहे हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन ए बी सी डी, डी वन डब्ल्यू इक्वल ए बी सी डी ई, ई कर देते हैं इसको, है ना। और ये होगा आपका ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू डब्ल्यू बराबर आपका हो गया ये ई वन था ये ई टू हो गया, एक दो तीन। अब ये है ए वन एक्स प्लस बी ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड प्लस डी थ्री डब्ल्यू इक्वल्स ई थ्री, ये हो गया ए फोर एक्स प्लस बी फोर वाई प्लस सी फोर जेड प्लस डी फोर डब्ल्यू इक्वल्स ई फोर। अब जब इसका निकालेंगे हम क्रेमर, तो जो डी डी आएगा वो होगा ऐसा, ये होगा ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, ये बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, सी वन सी टू सी थ्री सी फोर, डी वन डी टू डी थ्री डी फोर। कैसे आएगा ये, इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं। यहां देखिए क्या क्या है, वन वन टू थ्री, तो वन 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 टू थ्री आ गया ये। यहां क्या आ गया, वन माइनस टू वन माइनस वन, वन माइनस टू वन माइनस वन। अब वन टू माइनस टू थ्री, वन टू माइनस टू थ्री, और वन टू टू माइनस थ्री, वन टू टू माइनस थ्री। इसका आप कर लेंगे क्योंकि फोर बाय फोर का भी मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले वाले एक्सरसाइज में, आपको रिविजिट करना पड़ेगा
वहां आप समझ पाएंगे कि ये कैसे होगा। ठीक है जी, तो इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारा डी आ गया। अब डी वन के लिए क्या करेंगे, पहला वाला जो है रिप्लेसमेंट वो हम करेंगे किससे, 2 - 6 - 5 - 3। बाकी तीनों ऐसे ही हम मान लीजिए मैं x है तो x रख देते हैं। डी टू में क्या होगा, केवल जो सेकंड कॉलम है वो आपकी इससे रिप्लेस होगी। डी थ्री में क्या होगा, ये कॉलम जो थर्ड कॉलम है, मतलब 1, 2, 3, 4 जो थर्ड कॉलम है वो इससे रिप्लेस करिए, बाकी सेम ऐसे रहेगा। डी फोर में क्या करेंगे आप कि ये वाला जो कॉलम है चौथा, मतलब 1, 2, 3, 4 है ना, तो ये वाला चौथा इससे रिप्लेस होगा ये वाले से 2 - 6 - 5 - 3 से, बाकी सेम रहेंगे। फिर आप जब निकालेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, काफ़ी मेहनत का काम है ये, और फाइनली आंसर आप रिविजिट करा लीजिएगा, चेक करा लीजिएगा। इसी तरीके से ये भी ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है इसलिए मैं इसको केवल आंसर दिखा के स्किप कर रहा हूँ और तरीका बता के स्किप कर रहा हूँ, लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल वही है सर जैसे मैंने आपको पहले बताया। थोड़ा सा इसमें डिटरमिनेंट निकालने में थोड़ी मेहनत लगेगी। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक बहुत आसान सी चीज है ये, क्योंकि अगर आप जब इसको डिटरमिनेंट के तौर पे सॉल्व करेंगे, आपका जो जैसे ये इसमें दो वेरिएबल है, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक्स कैसे निकल के आता है d1/d, वाई कैसे निकल के आता है d2/d, अगर हम ये तीसरा वाला भी ले लें तो z कैसे निकल के आता है, ये d3/d। अब इन सब में जो d है वो डिनोमिनेटर में है, यानी जो एक्चुअल आपका डिटरमिनेंट है वो डिनोमिनेटर में है, तो फिर कैसे होगा, किसी भी चीज को आपसे कहा जाए कि किसी भी पार्ट में डिवाइड मत करो, मैं आपसे कहूँ 3 लड्डू लीजिए और इसको 0 पार्ट में डिवाइड करिए, तो आप बोलेंगे ये कैसा सवाल हुआ भाई, ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ, ये हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि डिविजन बाय जीरो इम्पॉसिबल है ना, या फिर अनडिफाइंड है। जब भी हम ये जीरो जब हमारा डी आ जाए तो हम ये कहेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है ना। तो अब ये वाला तो आप कर ही लेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ये 24 या 25 में से एक बताता हूँ, हम यही कर रहे हैं, करना भी आपको यही है, मैं आपको 24-25 बता देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि भाई करना क्या है। तो ये हमारा है 24वां, मैं 24 कर रहा हूँ क्योंकि 25 भी इसी तरीके से है और ये दोनों भी आप समझ जाएंगे। देखें, आपके पास जो इक्वेशन है वो है 3x - y + 2z = 6। ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है और ये d1 है। अब आप क्या करेंगे, ये है 2x - y + z, नहीं हम ये कर रहे हैं 3x - y + 2z हो गया, 2x + y + z = 3z = 5 हो गया। तो ये आपका हो गया a2 b2 c2 और d2। तीसरा वाली इक्वेशन है x, मैं ये वाला कर रहा हूं, x - 2y - z = 1, तो a3 b3 c3 d3। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बनती है, इसमें आप जब d निकालेंगे तो d कैसे बनता है आपको याद है ना, d मैंने बताया था आपको a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और जब हम d1 निकालेंगे तो इसको रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 से, जब d2 निकालेंगे तो इसको रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 से, और d3 के लिए इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। आप d ही देख लीजिए, इनकंसिस्टेंस तब होता है जब d 0 हो लेकिन d1 d2 d3 ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा d1 d2 d3 ध्यान रखिए ये 0 नहीं होना चाहिए, नो d 0 है तभी हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे, राइट। अब मैं d का आपको ये बता दे रहा हूं कि इसमें लिखना क्या है, क्योंकि यहीं से हम देख लेंगे, तो आपका ये आएगा 3 2 1, मैंने a1 a2 a3 लिखा, फिर b1 b2 b3 लिख रहा हूं -1 1 और -2, फिर c1 c2 c3 लिख रहा हूं 2 3 और -1 है यहां z। अब इसका डिटरमिनेंट जो आप निकालेंगे, यहां पर देखिएगा, आप डिटरमिनेंट निकालना तो जानते हैं, इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ये 0 आएगा। लेकिन जब आप d1 करेंगे, d1 में क्या करना है आपको, इस जगह पे आपको ये चीज रख देनी है 3 5 1, बाकी सेम उतार लेना है। d2 में क्या करेंगे आप, जो मिडिल वाला है उसमें आप ये 3 5 1 रखेंगे, बाकी आपको ये और ये ऐसे उतार लेना है। d3 में क्या करेंगे आप, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला ऐसे उतार लीजिए, तीसरे वाले में यहाँ जो 3/3 होगा उसमें 3 5 1 लिखेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट बता देता हूँ मैं आपको, d1 जो आपका आने वाला है वो आपका -15 आएगा,
और डी टू जो है जब आप निकालेंगे तो माइनस 15 आएगा, और डी थ्री निकालेंगे तो माइनस 15 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों जीरो तो हुए नहीं, लेकिन ये जीरो हो गया। जब ये कंडीशन बन जाती है तो आप कहेंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि ये जो लीनियर इक्वेशन तीन हमको मिली है, ये इनकंसिस्टेंट है। किसी को जीरो से, अगर मैं आपसे कहूँ कि माइनस 15 को जीरो से डिवाइड करिए, आप बोलेंगे ये कैसा सवाल हुआ भाई, इसलिए इनकंसिस्टेंट है। तो ये सब समझ गया ना, बाकी कैसे करेंगे डिटरमिनेंट आप हम ऑलरेडी एक्सरसाइज पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, इसलिए मैं फटाफट जीरो कर दे रहा हूँ, अदरवाइज इसको आपको पूरा करना है, इसको सॉल्व करना है। ये तो खैर उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो एक काम करते हैं कि इसका मैं डी बता देता हूँ आपको, डी क्या आएगा ताकि आपको पता रहे जब अगर आप कर रहे हैं तो। ये 3 2 3 2 3 और ये -1 -1 6 और ये 2 1 5, ये निकालिए आप। ये जब निकालेंगे तो आप देखिएगा जीरो है क्या नहीं, तो अगर आप देखेंगे इसको कंप्यूट करेंगे तो आपका डी 4 आएगा। डी 1 कंप्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका -12 आएगा। डी 2 आप कंप्यूट करेंगे -4 आएगा, और डी 3 कंप्यूट करेंगे तो 28 आएगा। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधा आप -12 को 4 से डिवाइड करिए, -4 को 4 से डिवाइड करिए, और 28 को 4 से डिवाइड करिए, आपका यहाँ -3, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 7 आ जाएगा। ये आप निकालेंगे एक्स वाई जेड, ये एक्स है, वाई है, जेड है, ये क्लियर हो गया ना। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्व। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट, अगर मैं आपसे कहूं कि एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, आप बोलेंगे इनफाइनाइट, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट्स है इसमें, इनफाइनाइट पॉइंट्स। अगर मैं कहूं कि आपको मैं तीन इक्वेशन दे रहा हूं और तीनों ही इक्वेशन एक ही है, तब क्या होगा, तीनों ही अगर इक्वेशन एक है तो आप कहेंगे यार ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि तीनों इक्वेशन जो है, इनमें से दो इक्वेशन ऐसी हैं जो आपस में एक दूसरे, मतलब वो सेम है, सेम चीज के बारे में बात हो रही है। तो आप देखिएगा कि यहां पर मैं आपको तरीका बताता हूं। तरीका ये है कि सबसे पहले अब इसमें एक काम करते हैं, इसमें से एक कर ही लेते हैं, ऐसे हर क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते ना कुछ ना कुछ, हमें ये लॉजिक तो मैंने बता दिया, लेकिन करके जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करना कैसा है। सबसे पहले आप डी करिए, डी आपको पता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, डायरेक्ट निकाल लेता हूं यहां से 1 2 -1 -1 -1 -2 और 1 1 -1 2, राइट। इसका मैं कंप्यूटेशन कर देता हूं, बाकी का डायरेक्ट बता दूंगा आपको। तो इसको हम कर ही लेते हैं क्योंकि मेरे को, मुझे दिखाना है कि ये जीरो है, और इनमें से किसी एक का भी कंपेरिजन करेंगे वो भी जीरो आएगा। अब इसको आप देखिए कि इन दोनों को आप पहले रो में चेंज करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ये आपका रो वन में चेंज कर रहा हूँ, रो वन प्लस रो टू, तो क्या आएगा 1 + 2 3 हो गया, -1 1 0 हो गया, -1 1 0 हो गया, ये 2 1 -1 और -1 -2 2 और भी कर सकते हैं वैसे, आप चाहे तो इसमें इसको जोड़ सकते हैं और कर लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ा इजी और बन जाएगा। आप करिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ दीजिए, लेकिन इसको चेंज करिएगा आप कॉलम 2 में कर लीजिए, कॉलम 2 में चेंज करिए, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो ये 3 2 -1, ये 0 0 0 क्योंकि -1 + 1 2 0 2 - 2 0 0 - 1 2। इसको ओपन कर लीजिए, 3 फर्स्ट रो से ओपन कर रहा हूँ, 3 × समथिंग, आगे तो हम करेंगे नहीं, ये हो जाएगा 2 - 1 0 0 ऐसा आ जाएगा। तो ये आपका 2 × 0 0 - 1 × 0 0 और 3 × 0, ये आपका 0 आ गया। तो डिटरमिनेंट मैं आपको इस करके इसके बताया है क्योंकि डिटरमिनेंट इसका 0 आ रहा है। और डी 1 निकाल के देखते हैं, डी 1 डी 2 3, मैं आपको बता दूँ डी 2 डी 3 भी 0 आएगा, लेकिन डी 1 हम करके देखेंगे। डी 1 में क्या करेंगे, इस जगह पे क्या करते हैं हम, ये रिप्लेस करते हैं 3 2 1 3 2 1, बाकी हम वैसे रखेंगे -1 1 -2 1 - 1 2। अब तो आपको समझ में आ गया है करना क्या है, सीधा आप पहला करिए रो 1 में चेंज करिए, रो 1 प्लस रो 2 कर लेते हैं, इसको क्या मिलने वाला है, 3 + 2 5, 1 - 1 0 0, 2 मैं एक साथ मैं ये भी कर रहा हूँ और साथ में ये भी करके दिखा रहा हूँ, बस कॉलम 2 में चेंज करें, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो यहाँ पर 0, इस जगह भी 0 आ जाएगा, इस जगह भी 0 आ जाएगा, बाकी 1 रहेगा, यहाँ -1 और यहाँ 2, ठीक है। तो ये हमने, हम इसको खोल रहे हैं, इससे खोल रहे हैं, 5 0 0 - 1 2, आगे 0 0 आएगा, -0 + 0 उसको छोड़ दीजिए, 2 × 0 0 - 1 × 0 0 - 0 × 5, ये 0 होगा। डी 1 जैसे वाला आपका 5 0 आया है, ऐसे डी 2 डी 3 भी आपके 0 आएंगे, क्लियर है। अब आपका डी 0 डी 1 0 डी 2 0 डी 3 0 सब 0, 0 बाय 0 क्या होता है, ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा।
तो ये इस तरीके से किया जाएगा, बाकी आप ये कर लेंगे ना। नेक्स्ट वाला आप ये देख लीजिए, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, लेकिन सारे अगर जीरो आ गए तो आप कहेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है और केवल डी जीरो है और बाकी सारे आपके कुछ वैल्यूज आ रही है, तो इसका मतलब आपका इनकंसिस्टेंट है। ये वाला भी इसी तरीके का है, ये भी कर लेंगे आप, एक एक करके आपको बता रहा हूँ ताकि जब आप करें तो आप यहाँ से एक रेफरेंस ले सकें, ताकि आपको आइडिया हो। पहले खुद करिएगा, उसके बाद इसको रेफर करिएगा। अ सेल्समैन हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ड्यूरिंग थ्री मंथ्स फॉर थ्री आइटम्स एबीसी विच हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ कमीशन। अब इसमें मंथ दिया है जनवरी फरवरी मार्च, इसका यूज कैसे करेंगे हम? सेल्स ऑफ यूनिट, अब देखिए ये जो आइटम ए है, ये आइटम बी है, आइटम सी है, यानी कि कमोडिटी है, आपका एक्स है, ये वाई है, ये जेड, ठीक। अब इन तीनों को मतलब इस 90 × x, मतलब पहले आइटम 90 है, दूसरा आइटम 100 है, तीसरा आइटम 20 है, तो 90 × x प्लस 100 × y प्लस 20 × z, ये बराबर आ रहा है 800। तो पहली इक्वेशन क्या बनी आपकी? 90 × x प्लस 100 × y प्लस 20 × z इक्वल्स 800। ओके, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन, इसमें क्या करिए आप, अगर आसान बनाते हैं सबको, आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9x प्लस 10y प्लस 2z बराबर 80 हो गया। थोड़ा और आसान कर देंगे इसको, कर सकते हैं वैसे आप, अगला बार देख लेते हैं। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है? 130x प्लस 50y, मतलब 130 × x प्लस 50 × y प्लस 40 × z, 50 × y प्लस 40 × z, ये बराबर आ गया आपका 900 के। दोनों साइड 10 से डिवाइड कर दीजिए, 13x प्लस 5y प्लस 4z बराबर 90, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन कैसी बनेगी? 60 × x प्लस 100 × y प्लस 30 × z बराबर हो गया आपका 850। 10 से डिवाइड कर दीजिए, 6x प्लस 10y प्लस 3z बराबर 85, ये आपका थर्ड इक्वेशन होगा। अब ये जो तीन इक्वेशन है, 1, 2, 3, इनको हम सॉल्व करेंगे और मैं आपका डिटरमिनेंट बना के दिखा देता हूँ इसको कैसे बनेगा। वैसे जो डी बनेगा उसमें आप क्या लेंगे, ये आपका आएगा 90, चाहे तो 90 ले लीजिए, 9 ले सकते हो, 9, 13, 6, मैं 1, 2, 3 ले रहा हूँ, फिर 10, 5 और 10, फिर 2, 4 और 3। आप देखिए, अगर इन सबसे आप 10, यहाँ से 10, पूरे से यहाँ से 10 और यहाँ से 10 ले लें तो भी यही आएगा। फिर इसको जब, क्योंकि इतना बड़ा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, आप 100 से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आप 20 को प्लस करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका जो उत्तर आने वाला है, क्योंकि आपने ऑलरेडी जब ये कंप्यूट करेंगे तो आपका -175000 आ रहा है। जहाँ इसको कंप्यूट करेंगे थोड़ा कम नंबर आएगा, उसका कम नंबर का मतलब ये है क्योंकि हमने 10, 10, 10 बाहर ले लिया है, 10 × 10 × 10, है ना, यहाँ से डिवाइड कर दिया था, तो ये भी एक ही बात है, लेकिन ये नंबर कम आएगा आपका, नंबर 175 के करीब आएगा, ये नहीं आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 175 मान के चलते हैं, हम यही रखते हैं तो 175000 आ रहा है ना, वैसे आपका -175 आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, यही इतना ही आएगा। अब डी टू करेंगे, तो डी टू में क्या करेंगे, ये पहला वाला जो है मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। डी टू में क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये वाला 80, 90 और 85 रिप्लेस करेंगे, 80, 90 और 85। D3 में क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे 80, 90 और 85। D3 में क्या करेंगे, यहाँ रिप्लेस करेंगे 80, 90 और 85, ठीक है। D1 आ गया, D2 आ गया, D3 आ गया, x निकालेंगे आपका D1 / D, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आंसर, इसका 2 आएगा, और उसके बाद D2 निकालेंगे आप, ये बेसिकली जो आपका D1 आएगा वो आपका 350 आएगा, माइनस 350 को अगर 175 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इस तरीके से y आ जाएगा आपका 4, z आपका 11 आ जाएगा। ये आप निकाल लेंगे ना, बेसिक जो चीज़ इसमें है वो आप बाकी चीज़ें समझ चुके हैं, ये इक्वेशन बनाना है जो मैं आपको मैंने आप बताया, वो इक्वेशन कैसे बनेगी बाकी आप कर ही लेंगे, डिटरमिनेंट ऑलरेडी सीख चुके हैं। बस एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि ये जो है ये सब आप जो रेट ऑफ कमीशन है हमेशा परसेंटेज में आता है, तो ये 2% होगा, 4% और 11%, ऐसा आंसर लिखेंगे आप। एन ऑटोमोबाइल कंपनी यूजेस 3 टाइप्स ऑफ स्टील, S1, S2, S3, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है।
फॉर प्रोड्यूसिंग थ्री टाइप्स ऑफ कार्स, तो आपका ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड हो गया सीधा। स्टील रिक्वायरमेंट्स इन टन्स, टन मतलब होता है 100 किलो, फॉर ईच टाइप ऑफ कार्स आर गिवन बिलो। यूजिंग क्रेमर्स रूल फाइंड द नंबर ऑफ कार्स ऑफ ईच टाइप विच कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग 29, 13 एंड 16 टन्स ऑफ स्टील ऑफ थ्री टाइप्स रिस्पेक्टिवली। ये तो सीधा उसका उत्तर आपके पास आ गया, 2x, 3y, 4z, इन दोनों को जोड़िए, तीनों को जोड़िए, आएगा 29। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये बनेगा 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 29, 1x प्लस 1y प्लस 2z बराबर ये आपका 13, और 3x मैं यहाँ ही बना देता हूँ इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई आपकी पहली इक्वेशन, 1x प्लस 1y प्लस 2z बराबर 13, और 3x प्लस 2y प्लस 1z बराबर 16। तो बेसिकली आपको डी बता देता हूँ मैं, डी कैसे आएगा, इक्वेशन तो समझ गए ना आप, डी आपका आएगा इसका, आपको 213 लेना है, यहाँ आपको 312 लेना है, 421 लेना है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 5 आएगा। ऐसे डी वन लेंगे, डी वन में क्या है, यहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिए 29, 13 और 16, इसको निकालेंगे तो आपका डी वन आएगा 10। ऐसे डी टू निकालेंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए इसको, डी टू आपका आ जाएगा 15। डी थ्री अब यहाँ पर रिप्लेस करेंगे आप 29, 13, 16, डी थ्री आपका रहा 20। एक्स जो है वो आपका 10/5, y आपका होगा 15/5, और z आपका आएगा 20/5। ये आपका आ गया 2, 3 और 4, तो आपका C1 टाइप होना चाहिए 2, C2 3 और C3 4। बेसिकली ये जो दोनों क्वेश्चन हमने देखे इसमें इक्वेशन बनाना मेन है, डिटर्मिनेंट तो आप निकाल ही लेंगे, इक्वेशन बन गई तो आपका काम बन जाएगा। तो ये बात हो गई इस एक्सरसाइज की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।